की इस वीडियो में दोस्तों हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे टाटा स्काई प्लस HD सेटअप बॉक्स का, जो कि काफी कमाल का बॉक्स रहने वाला है। जब से मैंने इस बॉक्स को लगवाया दोस्तों, मैं भी काफी उत्साहित हो गया हूँ, क्योंकि इस बॉक्स में ना इतने कमाल के फीचर्स हैं जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। यहाँ पर जो है मैं एक ही समय पर 3 चैनल्स को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। यानी कि आप 2 चैनलों के प्रोग्राम को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो और तीसरे चैनल को देख सकते हो, या फिर आप तीनों चैनलों को एक ही समय पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कितना कमाल का फीचर है इस बॉक्स में जो कि आपको मिलता है। जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो प्रोग्राम्स को, वो आप बाद में प्ले कर सकते हो। जब चाहो प्ले कर लो, रिवाइंड कर लो, पॉज कर लो, फॉरवर्ड कर लो, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप सीरीज रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इवेंट रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो चलिए आपको मैं बॉक्स के पास ले जाकर समझा दूंगा। लेकिन इसके अलावा इस बॉक्स की जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर आपको 500 GB की हार्ड डिस्क इंस्टॉल मिलेगी, जिसके इस्तेमाल से आप 625 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ड्यूरेशन रहेगी किसी भी बॉक्स में। जबकि नॉर्मली हमारी जो बाकी कंपनीज के बॉक्सेस आते हैं उसमें आपको इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं होती, लेकिन इस बॉक्स में आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात आ गई कि रिकॉर्डिंग कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। कोई भी ऐसी फिल्में जो कि आपको देखनी हो तो उसे आप रिकॉर्ड कर लो, बाद में आप देख लो। जो भी बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं उसको आप स्किप करके आराम से मूवीज को प्ले कर सकते हो। कोई शोज है, कोई सीरियल्स हैं जिसको आप प्ले करना चाहो तो कर सकते हो। लाइव टीवी पोस्ट करना चाहो कर सकते हो, लाइव टीवी को रिवाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल फीचर सिर्फ इसी बॉक्स के साथ ही आपको मिलने वाला है। नॉर्मली इस बॉक्स का जो प्राइस है वो 5000 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन अभी जो है ना ये अपग्रेड ऑफर में काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग टाटा स्काई HD का बॉक्स लगा हुआ है, टाटा प्ले का HD बॉक्स लगा हुआ है, जो कि सिंपल HD बॉक्स है, तो उसके साथ इससे आप अपग्रेड करवा सकते हो मात्र 799 रुपये में। और इंस्टॉलेशन का भी कोई चार्ज नहीं है, इंस्टॉलेशन फ्री रहेगी। बॉक्स का 1 साल का वारंटी भी आपको मिल जाएगा और नया ब्रांड न्यू बॉक्स भी आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सोने पे सुहागा ऑफर है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको टाटा स्काई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे विजिट करके आप जो है अपने अपग्रेड रिक्वेस्ट रेज करा सकते हो। इवन टाटा स्काई टाटा प्ले कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप अपनी रिक्वेस्ट अपग्रेड की दे सकते हो। 24 से 48 घंटों में जो है आपके घर पे इंजीनियर आएंगे, बॉक्स को चेंज करके लगाकर चले जाएंगे। और इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखने वाला है, उसके लिए सीधा आपको मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। उसके बाद हम टेलीविजन स्क्रीन की ओर जाकर आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी, उसके यूजर इंटरफेस भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचेंगे। चलिए फटाफट से जो है हम अपने टाटा स्काई HD प्लस PVR सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर हम बाहर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको HD रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर 500 GB की जो इंस्टॉल्ड हो रखी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिवाइंड फॉरवर्ड पॉज आप यहाँ पे कर सकते हो, और जो कि लाइव टीवी को भी आप रिवाइंड कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो और प्ले भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे उसको तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा वीडियो ऑन डिमांड का जो फीचर है वो पहले कभी आया करता था इस बॉक्स में, लेकिन ये जो फीचर है वो फिलहाल अब काम नहीं करता है। तो चलिए वो तो अलग बात हो गई, फिलहाल इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये जो बॉक्स है मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका था, इसलिए मेरे जो है यहाँ पर सील जो है वो ओपन हो रखी है। लेकिन आपने इसी का ख्याल रखना है कि जब भी आप बॉक्स परचेज करें तो ये जो सील है वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, वो लगी हुई होनी चाहिए। तो मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ तो एक छोटा सा जो है हमें एक न्यू यूज़र मैनुअल मिलेगा, जिसके अंदर आपको नॉर्मली डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड की जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टोरेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी काम का ही नहीं है, तो आपको इसको साइड रख देना है। एक आपको हाई क्वालिटी की HDMI केबल जो है इस बॉक्स में प्रोवाइड की जा रही है, ये आपको मिलेगी। और ये जो है मैंने अपग्रेड प्रोसेस में लिया है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो हम इसके अडेप्टर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो अडेप्टर के जो वायर है वो हमारी किस प्रकार से हमें मिली है वो आप देख सकते हो। काफ़ी हाई क्वालिटी की जो वायर है कंपनी की ओर से दी जा रही है, आप देख सकते हो कितनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और ये जो है अडेप्टर टाइप जो है केबल रहने वाली है। और इसका जो अडेप्टर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। तो कुछ इस क्वालिटी में आप देख सकते हो कितना बढ़िया शानदार क्वालिटी में आपको हैवी ड्यूटी जो है अडेप्टर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सेटअप बॉक्स के पीछे इंसर्ट होगा पिन। और काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये आप देख सकते हो। तो अब ये जो केबल है दोस्तों, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है केबल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, जिसके बाद जो है हम अपने अडेप्टर को पावर दे सकते हैं और इससे जो हमारे सेटअप बॉक्स को पावर जाएगी। इसके अलावा जो हमें मिलता है वो हमारा है रिमोट टाटा प्ले का। इसके साथ 2 बैटरीज भी आपको ऑफर की जाती हैं, वो दिखा देता हूँ मैं आपको।
तो हाई क्वालिटी का जो है आपको रिमोट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको जो है यहाँ पर हम ओपन करके दिखा देते हैं, इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो हाई क्वालिटी का रिमोट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रिमोट है दोस्तों यही जो है आपके इस बॉक्स में काम करने वाला है, इसके अलावा कोई भी रिमोट काम नहीं करेगा। इवन टाटा प्ले का रिमोट भी जो खुद का बाहर से हम लेते हैं वो भी काम नहीं करने वाला, इसका ओरिजिनल रिमोट ही परचेज करना पड़ेगा आने वाले समय में भी। इसके अंदर जो फीचर्स आपको दिए गए हैं, आपको टीवी का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इसको आप टीवी के साथ भी पेयर कर सकते हो यूनिवर्सल की तरह। एवी का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटअप बॉक्स पावर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑन डिमांड का बटन मिलेगा, गाइड का मिलेगा, टीवी का मिलेगा, सेटिंग्स का मिलेगा, ऐप्स का मिलेगा। और इसके अलावा जो फीचर्स आपको दिए गए हैं वो आप देख सकते हो, एक एक करके होम है, फेवरेट है, इन्फॉर्मेशन है, अप डाउन राइट लेफ्ट है, सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉल्यूम का, चैनल बार्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बैक है, म्यूट है, हेल्प है, या आपको रिवाइंड है, फॉरवर्ड है, पोस्ट प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लान है जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग देख सकोगे, कुछ कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कुछ नंबर कीज़ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और नीचे आपको टाटा स्काई की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हैवी क्वालिटी का रिमोट आपको देखने को मिलेगा। बैटरीज में ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो हाई क्वालिटी की बैटरीज भी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आपको मेन यूनिट भी दिखा देते हैं। मेन यूनिट को देखने के लिए कुछ इस तरीके से जो हम अपने बॉक्स को ओपन करेंगे, और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जो है बॉक्स को हमारे यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर एक और बॉक्स आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, और काफ़ी हाई क्वालिटी जो है इस बॉक्स की रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि अलग से एक और बॉक्स जो है उसके अंदर हमारा बॉक्स आता है, और उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। अच्छे तरीके से पैक करके दिया हुआ कंपनी ने हमें, कुछ बबल शीट के साथ भी आपको सिक्योरिटी मिलती है। और जो बॉक्स का वेट है वो थोड़ा सा आपको हैवी मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 GB की हार्ड डिस्क मिली इंक्लूड करके दी हुई है। तो बिल्ड क्वालिटी बेहद कमाल है। फ्रंट व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको रिमोट का, अलर्ट का जो है आयर सेंसर मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर स्टैंड बाई का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इधर की बात करें तो टाटा स्काई की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ऊपर आपको VOD का ऑप्शन मिलता है, जो कि फिलहाल हमारे लिए वर्क नहीं है। HD का सिंबल यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस। बॉक्स का जो फ्रंट व्यू आपको मिलने वाला है, नीचे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगा, ऊपर आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगा, ऊपर भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश दिया हुआ है। इस साइड की बात करें तो आपको वेंटिलेशन की कोई भी प्रोविज़न नहीं है, और इस साइड बात करें तो इस साइड भी आपको वेंटिलेशन की प्रोविज़न नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको एक USB का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके बॉक्स में डिगी कार्ड डलेगा। और ऊपर की ओर बात करें तो आपको एक पावर का बटन भी यहाँ पर डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सैटेलाइट इन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्टिकल साउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, HDMI आउट मिल जाएगा, इथरनेट केबल लगा सकते हो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, USB का पोर्ट आपको पीछे की ओर भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर 12 वोल्ट DC अडैप्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक फ़ैन मिलता है जिससे आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जो है गर्म ना हो, और आपको जब बॉक्स है वो हीट ना करे, इसके लिए आपको एक फ़ैन भी यहाँ पर प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके अलावा पीछे आपको HDMI Dolby डिजिटल ऑडियो का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस बॉक्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन के साथ। तो सीधा हम आ चुके हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है अपने बॉक्स को कनेक्ट कर लिया है टेलीविज़न साथ। और यहाँ पर जो उसका EPG का बैनर है वो कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन पर आएगा, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ इस तरह के फीचर्स जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे, और नीचे की ओर आप देख सकते हो ऑप्शन जो मिल रहे हैं, सर्च का एक आपको मिल जाएगा नया फीचर, रिकॉर्डिंग का, और एक है जनर का, अलर्ट का, और लैंग्वेज का। तो रिमोट में जो भी आपका रेड कलर का रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है उसे आपको प्रेस करना होगा उसी पार्टिकुलर चैनल के ऊपर जाकर जिस पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। बाकी गाइड ऑप्शन में बात करें तो गाइड ऑप्शंस में आपको सर्च का, ऑल चैनल्स का, HD का, स्पेशल्स का, एंटरटेनमेंट, मूवी, स्पोर्ट्स, न्यूज़, किड्स, नॉलेज, लाइफस्टाइल, म्यूजिक एंड ऑडियो, शॉपिंग, स्पिरिचुअल, रीजनल, फेवरेट चैनल, सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जो बेसिकली आपके बाकी HD बॉक्सेस में फीचर है सेम टू सेम आपको गाइड में सेम ही मिलेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा हमारा जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर आपको मिलेगा एक हेल्प का ऑप्शन, एक मिलेगा आपको पेरेंटल कंट्रोल, यूज़र सेटिंग्स और सिस्टम सेटिंग्स। यूज़र सेटिंग्स में बात करें तो आपको सेट फेवरेट्स, लैंग्वेज सेटिंग्स, पिक्चर सेटिंग्स, जिसके अंदर आपको जो है फॉर्मेट्स अलग अलग से जो है सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा HD सेटिंग्स में बात करें तो इसके अंदर आपको 1080p का रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल HD बॉक्सेज में आपको 1080i से ऊपर का रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। साउंड सेटिंग्स में भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप Dolby डिजिटल सराउंड साउंड का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो।
और बैनर सेटिंग्स में बात करें तो बैनर जो है वो कितने समय के अंदर आपके चैनल के आगे से रिमूव हो जाना चाहिए उसके आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। टाटा प्ले प्लस सेटिंग्स के अंदर आपको जो है रिकॉर्डिंग के कुछ फीचर्स जो दिए हुए हैं उसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा ऐड चैनल्स का ऑप्शन आता है जो कि हमारे लिए फिलहाल काम का नहीं है, स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो मतलब बात करते हैं सिस्टम सेटिंग्स की, तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको सिस्टम डिटेल्स, सीए मॉड्यूल और पावर सेविंग सेटिंग्स, आईपी सेटिंग्स, नेटवर्क प्रेफरेंस, आईपी डायग्नोस्टिक्स, सिग्नल टेस्ट, मास्टर रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा और होम नेटवर्क सेटअप मिल जाएगा। तो बेसिकली जो है आपका बॉक्स इंटरनेट सपोर्ट करता था लेकिन अब जो है इस बॉक्स में आपको इंटरनेट का फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि सारे जो इंटरनेट बेस्ड फीचर्स थे वो सभी के सभी इस बॉक्स में अब रिमूव हो चुके हैं। बाकी सिग्नल टेस्ट की बात करें तो सिग्नल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो है आप नेटवर्क प्रेफरेंसेस भी अपने साथ सेट कर सकते थे, वाईफाई का ऑप्शन है और इंटरनेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि फिलहाल आपके लिए अभी वर्किंग में नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हो गए सेटिंग्स के अंदर। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग फीचर्स के लिए, तो रिकॉर्डिंग फीचर्स के लिए आपको यहाँ पर प्लान का ऑप्शन दिखाई देगा रिमोट में, उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आपके बीच चार ऑप्शंस आ जाएंगे, सर्च का, रिकॉर्डेड का, बुक्ड और सीरीज का। सच मतलब है कि आप कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं जैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके बीच सारी रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कौन सा प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड हो रहा है और कौन सा रिकॉर्ड आप पहले करके देख चुके हो। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सीन का भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप आईज वाला सिंबल देख रहे हो यानी कि वो जो है आप कॉन्टेंट देख चुके हो, और जिसका ग्रीन सिंबल आ रहा है यानी कि वो कंटेंट अभी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ आपको चैनल नंबर भी आ जाएगा, कौन सा प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका नाम भी आ जाएगा, कौन सी तारीख को आपने रिकॉर्ड किया था वो भी आ जाएगा, और ड्यूरेशन उस प्रोग्राम की वो भी आपके सामने आ जाती है। अब किसी भी कंटेंट को अगर आप प्ले करना चाहते हो जिसे आप रिकॉर्ड करके देख रहे हो तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक मूवी है खंडा, अगर मैं इसे प्ले करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर आप रिमोट से ओके बटन प्रेस करेंगे, और ओके बटन प्रेस करने के बाद वो कौन से चैनल पर हमने रिकॉर्ड किया था वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको और कई ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि प्ले फ्रॉम स्टार्ट, प्ले फ्रॉम लास्ट व्यूड, प्ले फ्रॉम डिफाइंड पोजीशन, लॉक और डिलीट का, यानी कि आप जो है शुरू से मूवी देखना चाहते हो तो यहाँ से प्ले कर सकते हो, और आपने मूवी जो लास्ट देखकर छोड़ी थी वहाँ से प्ले करना चाहते हो तो उस पर आप कर सकते हो, और अपने हिसाब से जो है आप ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी ड्यूरेशन से जो है मूवी बीच में देखना चाहते हो। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है जो इसमें आपको मिल जाता है। बाकी रिकॉर्डिंग को आप लॉक भी कर सकते हो ताकि कोई इसको प्ले ना कर पाए, और डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इस रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर प्ले फ्रॉम स्टार्ट पे ओके करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जो फाइल है वो वहीं से शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप जो है कंटेंट को आगे पीछे मूव भी कर सकते हो और वहीं से आप कंटेंट को प्ले और पॉज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब मैंने पॉज कर दिया तो पॉज हो गया, प्ले करूँगा तो प्ले हो गया, पॉज कर दिया तो पॉज हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो कंटेंट को हम 32x के हिसाब से आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक करना चाहते हैं तो बैक को भी हम 32x के हिसाब से पीछे रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो हम रिकॉर्डेड फाइल्स को प्ले कर सकते हैं, और आप किसी भी मान लो पर्टिकुलर चैनल के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये चैनल 100 का ही प्रोग्राम है, अगर इसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो रिमोट से मैं इस पर आर बटन दबाऊंगा, और आर बटन दबाने के बाद ऊपर आप देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग हमारी जो है शुरू हो चुकी है। तो जो फाइल है वो हमारी रिकॉर्डिंग में जा चुकी है, और अब सिंपली आपको अगर इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए तो सिंपली आप इसी चैनल पर आके वापस से रिमोट से आर बटन दबाएंगे रिकॉर्डिंग वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आपको रिमोट से एक प्लान बटन देखने को मिलता है वो दबाना है और आपको रिकॉर्डेड ऑप्शन में आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा प्ले क्लासिक सिनेमा जिसको हमने रिकॉर्डिंग पे लगाया था वो भी चल रहा है, तो यहाँ से भी इसको आप रोक सकते हो। रोकने के लिए रिमोट से रेड बटन पे प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसको आप बाहर भी कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है वो भी रिकॉर्डेड में है। अब चलिए इसको मैं बंद करके देखता हूँ, तो बंद करने के लिए मैं एक बार फिर से रिमोट से आठ बटन दबाऊंगा, और आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी यहाँ पर रुक चुकी है। अब वापस हम प्लान बटन पे जाएंगे, रिकॉर्डेड पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी फाइल है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। इस पर हम रिमोट से ओके सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे और प्ले फ्रॉम स्टार्ट पे ओके करेंगे, तो सेलेक्ट बटन प्रेस करते हैं आप देख सकते हो रिकॉर्ड जो है वो हमारा जो अभी हमने रिकॉर्ड किया था वो सही से यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, इसको हम आगे पीछे भी आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फीचर्स हैं दोस्तों जो कि इस बॉक्स में काम करते हैं, एक ही समय पर आप तीन चैनल्स के प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग में लगा सकते हो।